हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, थोड़ी देर पहले ही मैं उठी थी और अभी मैं जाके फटाफट से करूँगी ब्रेकफास्ट, क्योंकि आज मुझे जाना है मेरी कॉलेज बहुत सदियों के बाद। नवरात्रि के इतनी बड़ी थकान के बाद अभी मुझे पता चला कि मैं पढ़ती भी हूँ, मुझे कॉलेज में जाके मेरी बुक्स भी लानी है और एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रही है। तो चलो अभी जाके देखते हैं दादाजी और मम्मी सब लोग नीचे क्या कर रहे हैं। और मेरी 11 बजे की बस है पालमपुर, मुझे जाना है। सो चलो फटाफट से जाके मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है। सो दादा यहाँ पे कर रहे हैं पूजा पाठ और आज मैं ब्रेकफास्ट में खाऊंगी ककड़ी और टमाटर। और मैंने किया फटाफट से नाश्ता। अभी मैं जस्ट ब्रेकफास्ट कर रही थी और मुझे याद आया कि आज मेरा व्रत है, आज 14 है, तो मैं हर 14 को व्रत रखती हूँ, तो इस बार भी मैंने रखा है। और दादी भी गई हुई है कोचला। सो घर पे मैं, दादा, दीदी और मम्मी है। और ममता की आज गुजराती की एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गई और उसका फर्स्ट पेपर है गुजराती का। सो चलो अभी मैं फटाफट से हो जाती हूँ रेडी। और ये लोग भी स्कूल से आ गए। भी स्कूल से आ गया श्लोकी। आज का पेपर कैसा रहा? मस्त। कुछ लिखा कि ऐसे ही छोड़ के आ गए? मस्त। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो चलो फटाफट से निकलते हैं। और मैं और मम्मी निकल पड़े बस स्टेशन की ओर। और मैं बस का वेट कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी लेट हो गई थी। और उसके बाद मैंने ली चिप्स और फाइनली बस आ गई और हम फटाफट चल गए। मम्मी थोड़ी गुस्सा थी, मम्मी हंस भी नहीं रही थी क्योंकि वो ट्रैवल में थक जाती है ना, आना जाना एक ही दिन में। तो और अब मैंने चालू कर दिया मेरा चटर पटर, मैंने चिप्स खानी चालू कर दी क्योंकि सुबह मैंने ओनली ककड़ी और टमाटर खाए थे और अभी मैं सिर्फ चिप्स खा रही हूँ। और दोपहर में खाना खाऊंगी नहीं, शाम को घर आके ही खाऊंगी। फाइनली हम पहुंच गए पालमपुर। और कॉलेज रोड के उस तरफ सामने ही थी थोड़ी दूर, सो हम पैदल पैदल ही चले गए मैं और मम्मी। और ये हम आ गए हमारी कॉलेज पर। सो अब मैं फटाफट से जाके सर से मिलकर मेरी जो भी बुक्स है और जो भी असाइनमेंट लिखने की है, सो मैं जाके फटाफट से लेकर मिलती हूँ आपसे जल्दी ही। सो
सो मैंने सर मेरी बुक्स ले लिए, सभी बुक्स अवेलेबल नहीं थी वहाँ पे, तो सर ने बोला थोड़े दिन बाद फिर से आना, सो मिल जाएगी आपको बाकी की जो भी बुक्स है। सो फटाफट से जागते हैं और असाइनमेंट की भी प्रिंट आउट निकलवानी पड़ेगी, वो भी लिख के जमा करवानी है, सो फिर से एक बार आना पड़ेगा कॉलेज। सो फटाफट से अब चलते हैं बस स्टेशन की ओर। सो हम आ गए बस स्टेशन। फिर मम्मी को खानी थी आइसक्रीम, तो फिर मम्मी ने खाई रोज फ्लेवर की आइसक्रीम और फिर मैंने ये पिया स्ट्रॉबेरी जूस। इधर बस स्टेशन में इतने बड़े बड़े पंखे थे कि जैसे हेलीकॉप्टर के पंखे यहाँ लगा दिए, और उसके बाद निकल पड़े हम वापस धानेरा की ओर। और फाइनली आ गए हम धानेरा। बहुत ही ज़्यादा थकान हो रही थी, चला भी नहीं जा रहा था, इतनी नज़दीक था फिर भी नहीं चला जा रहा था, तो फटाफट चले गए घर। और मैंने पहले मेरी बुक्स ठीक से रखी। निशा और श्लोक अगेन टीवी देख रहे हैं, और बाद में मैं जाके मिली दादा से, और दादा सुबह शाम दो टाइम पूजा पाठ करते हो, तो अभी भी पूजा पाठ ही कर रहे थे। और फिर मैंने शांति से पी चाय, और अभी कुछ मौसम का पता ही नहीं चल रहा है। थोड़ी देर पहले धूप हो रही थी और थोड़ी देर बाद तुरंत ही बारिश होना स्टार्ट हो गया, और अब धूप के साथ बारिश हो रही है, मतलब कुछ मौसम का कुछ सेट नहीं है। और ये सनसेट वाले क्लाउड इतने अच्छे लगते हैं, रोज़ का रोज़ कुछ नया ही दिखता है इनमें, और आज बहुत ही प्यारे लग रहे थे, तो सोचा कैमरे में ही कैद कर लूँ इनको। सो गाइज अभी हम नीचे चल के देखते हैं कि मम्मी सब लोग क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे सभी लोग बैठ के टीवी देख रहे थे, और अचानक से इन लोगों को पता नहीं क्या ही सूट है, वो लोग तकिए से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो आई होप गाइज आप सभी को आज का ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मैंने खाना वाना भी खा लिया है, और अब मैं फटाफट से वीडियो एडिट करने बैठूंगी क्योंकि सकल सुबह अपलोड भी करना है। तो चलो, और हाँ, नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को दबा देना जिससे आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपको जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।